सांसदों को खाना मिलेगा कैंटीन में फ्री में 5 स्टार का, और एक आदमी 5 रुपए में पेट नहीं भर पाएगा, करिए ना अमेरिका से कंपैरिजन। शिवम त्यागी जी, फिर हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सारे क्वारंटाइन सेंटर्स खराब है, हमने एक बार भी ये नहीं कहा, जो है वो आपके सामने हमने रखा। एके मिश्रा जी, स्मिता देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये समझ रहे हैं कि वो विपक्ष के हैं और सरकार एके मिश्रा है जो हमारे ऊपर टूट रहे हैं, इन्होंने हमें आज सरकार मान लिया। सवाल हमसे पूछ रहे हैं, सवाल मिश्रा जी हमारे यहाँ तो यही विडंबना रही है। मैं इसी विडंबना की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल से घेरा, लेकिन मुझे लगता है एके मिश्रा जी अपने जगह पर बिल्कुल सही थे। बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे। एके मिश्रा जी पे उठाया गया, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा था। आप कहाँ अमेरिका पहुँच रहे हो, आप अपने हॉस्पिटल की सुधार होना चाहिए। अमूमन हमारे देश में कॉमन सर्वे ये है, मैं 50 उदाहरण दे दूंगा, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, आप प्राइमरी स्कूलों में जाके देख लीजिए, इंप्रूवमेंट हो रहा है। हम अमेरिका की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम उनके स्टैंडर्ड को टच करते हैं, क्यों नहीं हमारे सारे हॉस्पिटल एयर कंडीशन होते हैं, क्यों नहीं हमारे सारे स्कूल जो है सिंगापुर और अमेरिका की तरह होते हैं, क्यों नहीं एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री होता है? ठीक है, समस्या ये है कि केवल बड़े और रसूखदार लोगों के लिए सारी फैसिलिटी है, और 120-130 करोड़ की जनता जो वोट के मायने से सबसे ज्यादा मजबूत और हिस्सेदार होती है, वो हर क्राइसिस में वो हंसिए पे आ जाती है। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ राम राज्य आ जाए, चाहे कांग्रेस ले आए चाहे बीजेपी ले आए। जवाब नहीं है तो आप 50 की बात है, बताइए किस गलत फहमी है के कारण आप व्यवस्थाओं पे ऐसे दबा नहीं सकते हो। ठीक है, आपने अच्छा किया, जहाँ पर चीज सरकार नहीं पहुँची, अगर आप पहुँचे हैं तो बहुत अच्छी बात कही आज एके मिश्रा जी ने। लेकिन और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ एके मिश्रा जी इस वक्त मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। ठीक है एके मिश्रा जी, देखिए बार बार जब भी कोरोना की बात होती है तो ये कहना पड़ता है कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी राजनीति हो ही जाती है, ये कोरोना राजनीति भी याद की जाएगी जब ये महामारी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर का जो हाल है, चाहे वो आप कोई भी प्रदेश उठा लीजिए, चाहे वो कोई भी आप जिला उठा लीजिए, आप देखिए यूपी का, तो वहां पर जिस तरीके की स्थिति है कि कल तक आगरा एक मॉडल के तौर पे था जिसको ये देख रही थी कि इसी तर्ज पे आगे बढ़ा जाएगा, तब तक आगरा से ऐसी तस्वीर आ गई, और आज कानपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीर एके मिश्रा जी जो हमने दिखाई। स्मिता देखिए, यहाँ पे हम राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे और बात करेंगे आजादी से लेके अब तक। हमारे ये राजनीतिक मित्र हैं, प्रोवाइडिंग लिप सर्विस एक टर्म होता है, जमा जबानी खर्च करना, जबान से ये लोग, इनको बोलिए कोई भी मुद्दा यही 10 मिनट में बैठा के ये जो है मुद्दे को सॉल्व भी कर देंगे। आप दोनों लोगों को कह रहे हैं? हाँ, मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को बोल रहा हूँ। देखिए हमारा आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। एक फिल्म आई थी जो है शतरंज के खिलाड़ी, उसका एंड देखिएगा, लखनऊ के दो नवाब, अंग्रेज पूरा लखनऊ को लूट रहे थे, नवाबों के जो म्यान में तलवार रखी थी निकली नहीं, लेकिन एक शतरंज की बाजी के लिए दोनों नवाबों ने तलवार निकाल लिया। यहाँ पे भी हमारे दो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं राजनीतिक पार्टियों के लिए अभी देखिए कैसे लड़ रहे थे, मैं बोलूंगा दोनों ने तलवार निकाल लिया, एक दूसरे को जान से मार दिया, डिबेट जीतने के लिए तुम सही मैं गलत, मैं सही तुम गलत हो रहा है। 70 सालों से आप देखिए ये देश का दुर्भाग्य है, और बात केवल ये क्वारंटाइन की नहीं, 2 महीने पहले भी मैंने बोला था केवल हेल्थ केयर को ही मैनेज करने वाली बात नहीं होगी, सेकेंडरी लेयर में जो प्रॉब्लम आएगी सप्लाई की, डिस्ट्रीब्यूशन की, हर आदमी को खाना मिले, क्वालिटी मेडिसिन मिले, क्वालिटी फैसिलिटी मिले। अरे अगर कोई मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया इस वायरस का, तो उसकी क्या गलती है, तो क्या उसको मानव के लिए उचित स्थान भी ना मिले? आपने 10 हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल का किया होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ केवल एक जगह आपको सारे स्टैंडर्ड मिलेंगे, वो ऐसे हॉस्पिटल जहां पे नेता लोग भर्ती होते हैं, जैसे लखनऊ का SGPGI हो गया, उसमें भी नेताओं के लिए हमारे देश में तो जो नेता जेल जाते हैं उसके बाद वो बीमार, उनको जेल में भी 5 स्टार फिर वो बीमार हो जाते हैं। जितनी पार्टियां हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा ही, जनता से ही सारी चीजें करती हैं, वोट लेती हैं,
टैक्स भी लगाती है जनता के लिए, भलाई भी जनता के लिए, जनता के हाथ में आता कुछ नहीं है, ठीक है, केवल झुंझुना आता है जो आपकी ये रिपोर्ट है। मुझे लगता है शिवम त्यागी जी बहुत अच्छी बात कही आज के मिश्रा जी ने, लेकिन आपने वो वीडियोस भी देखी होगी जहां पर हाई प्रोफाइल पे, तो क्या हम इसमें भी हिंदू मुस्लिम, क्या क्या आप इसमें भी मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे जी? क्या आप मुझे इसमें शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, क्या हम इसमें भी हिंदू? अब देखिए परेशानी ये है कि जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, वो इसलिए क्योंकि मुझे बोलने का मौका, बोले बात बिल्कुल साफ है, ये एक साइड की वीडियोस है, कोई दो राय नहीं है, अगर कहीं पर खाने की परेशानी है वो दूर होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, जिम्मेदार। अब सुन लीजिए मिश्रा जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, अब आपको भी जवाब, आपकी भी बात पर जो अभी तो आपका तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है तो फिर आप क्यों तलवार निकाल रहे हैं? रुक जाइए, अभी बोल रहे थे रुक जाइए, आप वोट मांगने आते हो, हाथ जोड़ के आते हो और हम शिकायत करें तो आप बोलोगे आपका ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है मिश्रा जी, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, रुक जाइए, आपको मौका, अरे हम देश की बात कर रहे हैं, आप हाई हॉर्सेस पे रुक जाओ, पॉलिटिकल एजेंडा की बात आप कर रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मैं बोल सकता हूँ क्या? बोले बोले तुम्हारी चीज़ें, अब दूसरा मिश्रा जी ने कहा कि तलवारें निकाल ली और अपने आप को सही साबित करने के लिए एक दूसरे पर आमादा है, वैसा कुछ नहीं है। और दूसरा तारीफ के देखिए, जहां पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ वहीं पर सुविधाएं हैं, 32 करोड़ 31 करोड़ जनसंख्या है यूनाइटेड स्टेट्स की, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वहां पर 10 लाख केसेस हैं, ठीक है, 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, धरती पर हर चौथा कोरोना से मरने वाला आदमी अमेरिकन है, हमारे देश में टोटल 21,000 केस हैं, और आप यहां बैठकर इस देश की सरकार को कहते हैं हमारे सरकार कुछ नहीं कर रही। अब दूसरा आपने कहा कि खाने की प्रॉब्लम, मैं मानता हूं होना चाहिए, हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट सुधार होना चाहिए, लेकिन अगर कहे कि नहीं सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर कोई चीज गलत है आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप कहे कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, वैसा तो नहीं हो सकता, डेटा आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पत्रकार पर क्यों ला रहे, मैं कह रहा हूँ कहना चाहिए, मेरा पहला स्टेटमेंट था कि मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपने अच्छा किया, जहाँ पर चीज सरकार नहीं पहुँची, अगर आप पहुँचे हैं तो वो बेहतर है, बताइए आप फिर भी लड़े जा रहे हैं, सही नहीं दिख रही है, जो मरीज शांति प्रवृत्ति के हैं उनको क्यों नहीं मिल रही है? लोग सिर्फ कोरोना से बीमार नहीं हो रहे, हाई बीपी भी एक परेशानी है, पानी पी लीजिए, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे लड़े और लड़ते लड़ते हाई बीपी की जवाब नहीं है तो आप कमाल की बात है, बताइए किस चीज का जवाब चाहिए, बताइए किस चीज का जवाब चाहिए, हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल कीजिए, अरे बिल्कुल कीजिए, मैं कहता हूँ आप इकोनॉमिक पंडित बनकर खूब इकोनॉमी की बात कीजिए, आपकी गलत फहमी जवाब है, ये आपकी गलत फहमी है, कारण आप व्यवस्थाओं पे ऐसे दबा नहीं सकते हो, ठीक है दबा रहा है, ठीक है दबा कौन रहा है, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, हम मैं भी कैसे दबा रहे, एके मिश्रा जी हमसे मत खेलिए, एके मिश्रा जी ये बताइए कि खेल के लिए आप बैठे हो, एके मिश्रा जी अब मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, शिवम गुमराह मत करिए शब्दों से, ठीक है, अरुण त्रिपाठी आरोप मत लगाइए कि हाई बीपी और लो बीपी हो जाता है, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, हमें आपसे और किसी से क्या लेना देना, एके मिश्रा जी, और ना ही मैंने किसी मीडिया रिपोर्ट पर आरोप लगाया, मैंने तो कहा कि मीडिया रिपोर्ट ने अच्छा किया, नहीं ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ये चर्चा है ही नहीं, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, ये चर्चा है ही नहीं, ये लड़ने के लिए नहीं है, ये वक्त बहुत संजीदा है और समझने वाला वक्त है, अगर कुछ खामियां हैं तो उस पर जवाब देंगे, अगर कुछ खामियां हैं तो आप उसे उजागर करेंगे, हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं, एके मिश्रा जी बहुत बहुत संजीदगी के साथ और बहुत शांतिपूर्वक, शिवम त्यागी जी आपकी एक बात जो आपने कही अमेरिका के बारे में,
चलिए ठीक है, वो सबको पता है और इसीलिए नंबर वन पीएम का तमगा भी मिला प्रधानमंत्री जी को और हमें बेहद खुशी भी हुई इस बात की कि हमारा देश इसमें नंबर वन है। लेकिन रैपिड टेस्ट की संख्या भी तो कम है, क्या ये नहीं मानेंगे आप? देखिए बिल्कुल रैपिड टेस्ट की संख्या कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी भी कमी की बात करते हैं मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं, कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा खाने में दिक्कत है, मैं कहता हूं जो भी वहां पर इंचार्ज है उसको सख्ती के साथ उससे पेश आया जाएगा, चीजें बेहतर की जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा है कि व्यवस्थाओं के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं या आप गलत कह रहे हैं। मिश्रा जी जो एक बुफला बनाने की कोशिश आपका कॉन्सेप्ट कहां गया? हर डिबेट में आप सुओ मोटो बोलते हो। मिश्रा जी रुक जाइए, ये नहीं है अप्लाई नहीं होता है क्या? ठीक है अरुण त्रिपाठी जी, अरुण त्रिपाठी आप आज आज क्या अरुण त्रिपाठी क्या है आपने अरुण त्रिपाठी बीएसपी की मेंबरशिप ले ली है क्या आपने? आप लड़ क्यों रहे हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है तो उठाइए सवाल, आप मुद्दा उठाइए। अरुण त्रिपाठी एक मिश्रा जी तसल्ली से सुन लेते हैं। अरुण त्रिपाठी जी अब शिवम त्यागी जी अब तसल्ली से मुझे लगता है अब सुन लीजिए, ए के मिश्रा जी के पास भी जाएंगे और बहुत ज्यादा ए के मिश्रा जी भावुक हो गए इसलिए शायद उन्होंने आपको इस तरीके से घेरा, लेकिन मुझे लगता है ए के मिश्रा जी अपने जगह पर बिल्कुल सही थे। बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही बात कहा। वाराणसी में क्वारंटाइन सेंटर की हकीकत यह है कि वहां पर ना सैनिटाइजर थी, ना मास्क था, ना सोने के लिए बिस्तर का इंतजाम किया गया था। जौनपुर का जो क्वारंटाइन सेंटर था वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं था, वो आप ज्यादातर क्वारंटाइन सेंटर्स में देख लेंगे जहां पर सरकारी अस्पतालों की तरह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बेड नहीं होने की वजह से नीचे जमीन पर भी मरीजों को बैठा हुआ और सोया हुआ हम देखते हैं लेटा हुआ। इसके बाद हमने यह भी देखा कि आजमगढ़ और फरुखाबाद की भी जो स्थिति थी वो बेहतर नहीं थी। शिवम त्यागी जी मुझे लगता है कि अगर हम बार बार टीम 11 की बैठक करते हैं, अगर हम बार बार उसका जायजा लेते हैं तो फिर वो कौन सा प्रशासन है जो इस जगह पर अंधा गूंगा बहरा सब बनकर बैठा है? मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मुझे समय देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपको लगा कि मिश्रा जी भी सही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। एकमात्र अगर कोई गलत कह रहा है तो वो सरकार है यानी कि मैं, और ये जो डेटा है ये भी गलत नहीं है। अब आप ही ने बोला, देखिए मिश्रा जी भी सही है और कांग्रेसी मित्र भी सही है, आप भी सही है, तो जाहिर बात है जो चौथा व्यक्ति यहाँ पर है वो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सरकार गलत है। ये जो डेटा है ये गलत है, ये जो कोरोना पेशेंट्स की हिस्ट्री है, अब देखिए अब देखिए मतलब एकदम से अरे भाई जो तस्वीरें हैं वो भी गलत है। ऐसा क्या बोल दिया कि आप इतना इंपेशेंट हो जाते, ऐसा क्या हो जाता है आपको कि एकदम शॉक लग जाता है और चिल्लाना शुरू कर देते हो? अरे भाई सुन लीजिए, मैंने जो ये कैमरा दिखा रहा है वो भी गलत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए मिश्रा जी, नहीं तो आप लड़ेंगे फिर बाद में कहने लगेंगे कि मुझे मुझे लगता है तो दीजिए कम से कम बोलने का, बाद अलग बात है कि मैं गलत हूं या सही, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए कि नहीं? कोई मेरा मित्र कहने लगे कि आप अमेरिका से क्यों कंपेयर करते हो, कोई मेरा मित्र कहने लगे कि आप अमेरिका से क्यों कंपेयर करते हो, क्योंकि साहब होता क्या है कि बेहतर कौन कर रहा है ये कंपैरिजन से ही पता चलता है, इसका कोई दूसरा मेजरमेंट नहीं है। आप फिर देखिए मतलब सुनेंगे नहीं, सुन लीजिए मिश्रा जी, इतना इंपेशेंट क्यों है? तो दूसरा चीज, जैसे राज्य से राज्य कंपेयर होता है ऐसे ही देश से देश कंपेयर होता है। ठीक है वो मैं दिखाऊंगी दर्शकों को, लेकिन एके मिश्रा जी उससे पहले आप बोले। देखिए स्मिता मैंने आपको बताया ये देश के जनता का मुद्दा है, ये किसी राजनीतिक पार्टी और इसका नहीं है कि किन्होंने अच्छा किया या खराब किया। और बात जहां कंपैरिजन यूएसए की हो रही है तो कंपैरिजन एपल टू एपल होता है। अरे यूएसए से हमारा क्या कंपैरिजन है? हम बहुत मामले में उनसे आगे हैं, हम बहुत मामलों में उनसे पीछे हैं, और थैंक्स गॉड कि हमारे यहां अगर उतनी मौतें नहीं हुई, उतनी खराब कंडीशन नहीं हुई है। मैं ये बोलता हूँ पहले से ही सरकार तैयार थी, सरकार ने कमर कसी थी। क्या दिक्कत है के विषय में? नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के भी तो सपने देख ही रहे ना? नहीं सपने आप, मैं तो बोल रहा हूँ आप सर 15 ट्रिलियन का देखिए, 19 जब सपने ही देखना है तो आप 20 ट्रिलियन का देखिए, अमेरिका से भी ज्यादा का देखिए। वो ठीक है देखिए, मैं देखता हूँ, मैं तो चाहता हूँ 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, मैं चाहता हूँ राम राज्य आ जाए, चाहे कांग्रेस ले आए चाहे बीजेपी ले आए, बात हम राम राज्य की ही करेंगे। राम राज्य वाली फैसिलिटी होनी चाहिए, राम राज्य में क्या था ये वही चीज है, बातें हम राम राज्य की करेंगे। आपके फुटेज को आधार मान के जो भी 10-20 हॉस्पिटल का आपने सर्वे किया है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सब जगह यही हालत है, कई डॉक्टरों का व्यवहार, कई राजनेताओं का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। अमूमन हमारे देश में कॉमन सर्वे ये है, मैं 50 उदाहरण दे दूंगा, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, आप प्राइमरी स्कूलों में जाके देख लीजिए इंप्रूवमेंट हो रहा है। हम अमेरिका की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम उनके स्टैंडर्ड को टच करते हैं? क्यों नहीं हमारे सारे हॉस्पिटल एयर कंडीशन होते हैं? क्यों नहीं हमारे सारे स्कूल जो है सिंगापुर और अमेरिका की तरह होते हैं? क्यों नहीं एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री होता है? ठीक है, समस्या ये है कि केवल बड़े और रसूखदार लोगों के लिए सारी फैसिलिटी है, और 120-130 करोड़ की जनता जो वोट के मायने से सबसे ज्यादा मजबूत और हिस्सेदार होती है वो
हर क्राइसिस में वो हासिए पे आ जाती है। ठीक है ठीक है। सांसदों को खाना मिलेगा कैंटीन में फ्री में 5 स्टार का, और एक आदमी 5 रुपए में पेट नहीं भर पाएगा, करिए ना अमेरिका से कंपैरिजन। एके मिश्रा जी, हमारे यहाँ तो यही विडंबना रही है। मैं इसी विडंबना की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आदमी निर्वाणा की स्थिति में ऐसे पहुंच जाता है। मिश्रा जी ने ऐसे कह दिया कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स से आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर हमारे देश में पेशेंट्स कम है तो भगवान की दुआ, थैंक गॉड। अगर पेशेंट ज्यादा होते तो सरकार के देखिए परेशानी ये है, आप चुनाव इनको रोकेंगे या मैं बोलूं कि नहीं मुझे इतना पेशेंट क्यों हो जाते हैं? अरे भाई कंपैरिजन तो हो। अच्छा बताइए किससे करेंगे? पाकिस्तान से करें, आपके प्रिय पाकिस्तान से कंपैरिजन बताइए किससे? चलो इटली से करें, इटली से करें, अरे इटली से करें, चलो स्पेन से करें, यूके से करें, बताइए किससे करें? कमाल की बात है, जब हम कहते हैं कि कंपैरिजन कर लीजिए, कहते हैं कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अरे बोलो एक ही बात को बोलोगे तो आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी। यही दिक्कत है कि जब कंपैरिजन की बात आती है तो कहते हैं मत कीजिए, जब हम कहते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं कहते हैं आप ये कौन सा बेहतर करना हो गया। अरे भाई कंपैरिजन तो हो गया, अगर अच्छा कर रही है सरकार तो कर रही है, आपको अगर दिक्कत है तो हो रही है। अगर हम दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों के बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं तो 30 करोड़ की जनता में मिश्रा जी आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जमीनी हकीकत आप नहीं है। ठीक है, अरुण त्रिपाठी जो जो देता है आपको अरुण त्रिपाठी जी, अरुण त्रिपाठी जी जो मेरे को समझ में नहीं आएगा मैं एक ही को सुन सकता हूँ, बताइए किसको जवाब दूँ? अरुण त्रिपाठी जवाब किसको देना ये बताइए? अब भी आप चश्मा लगा के जवाब किसको देना ये जमीनी हकीकत आप लोग दिखा रहे हैं। चश्मा लगाकर बैठे हैं ऐसे बैठे, इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है? तजुर्बेकार इंसान है ये, क्या होता है चश्मा लगाकर बैठे हैं ये बैठे? अरे कोई ज्यादा ऐसे कोई किसी को नहीं सही जगह लग गया, ऐसे कोई किसी को नहीं सुन रहा। शिवम त्यागी जी रुक जाइए, शिवम त्यागी जी रुक जाइए, रुक जाइए। शिवम त्यागी जी फिर हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सारे क्वारंटाइन सेंटर्स खराब है, हमने एक बार भी ये नहीं कहा, जो है वो आपके सामने हमने रखा। एके मिश्रा जी, स्मिता देखिए मुझे ऐसा लगता है हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये समझ रहे हैं कि वो विपक्ष के हैं और सरकार एके मिश्रा है जो हमारे ऊपर टूट रहे हैं, इन्होंने हमें आज सरकार मान लिया। और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, सवाल टूट मैं रहा हूं, हमसे ये पूछ रहे हैं जवाब? नहीं मैंने नहीं पूछा आपसे कोई सवाल, सुनिए क्या मैंने पूछा आपसे कोई सवाल? सुनिए क्या मैंने पूछा आपसे कोई सवाल? अरे क्या मैंने पूछा आपसे कोई सवाल? क्या मैंने पूछा आपसे कोई सवाल? नहीं पूछा ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन? मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, जवाब दे रहा हूं। सुनिए अभी जो कैमरे पे दिखाया ऐसा जैसे कुत्तों को जानवरों को भी ऐसे रोटी नहीं दी जाती है जो इन्होंने दिया है। हर मामले में सुओ मोटो चिल्लाने वाले ये राजनेता, और 24 घंटे 48 घंटे हो जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फोन की घंटी भी नहीं गई। अरे वो आदमी है, अपने देश के भाई है, कोरोना में अगर वो भर्ती हो गए हैं वहां सेंटर पे, तो इस तरीके से टुकड़ों में रोटियां पैक करके आप दोगे और आप बोल रहे हो आप इसकी भर्त्सना नहीं करोगे? ऐसा कौन से देश में हो रहा है? अच्छा, मैंने भर्त्सना नहीं की क्या? फिर से मैं आपका झूठ पकड़ लेता हूं। क्या भर्त्सना नहीं की? क्या नहीं कहा ये गलत है? क्या नहीं कहा ये गलत है? आपको पता है ये हर 30 सेकंड में झूठ बोलना अनिवार्य नहीं है मिश्रा जी? देखिए वक्त की बहुत कमी है, जरूरी नहीं है वक्त की बहुत कमी है। एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, आपके सामने भी फिर से कर देता हूं, एक मिश्रा जी, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है और फाइनल कमेंट का समय आ गया इसके सबसे आगे फाइनल कमेंट। एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, ऐसे अगर होगा तो कोई किसी को नहीं सुन रहा, एक मिश्रा जी कोई किसी को नहीं सुन रहा अगर ऐसे हो रहा है तो। बहुत कमी है इसलिए फाइनल कमेंट का समय आ गया, इसकी शुरुआत करते हैं अरुण त्रिपाठी जी। देखिए मिश्रा जी ने जब ये बात बोली दिया है तो मैं ये इसका भी क्लियर करते चलूं फाइनल कमेंट में। बहुत अच्छा आग्रह आपका, एके मिश्रा जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं बोलता हूँ सेवा या मदद, अगर उसमें मानवीय भावना नहीं है ना तो वो मदद नहीं होता है। जिस हिसाब से मैंने देखा, मैं बोलूंगा बातों में तो बहुत मानवीय भावना होती है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं वीडियो देख के बोल रहा हूँ, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है कि नीचे से फेंक दिया। सरकार हो, राजनेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, एनजीओ हो, राजनेता जितना हो सके
जिससे जितना हो सके भावना प्रधान होती है, भावना के साथ सेवा करिए, जहां कमियां है उसको इमीडिएट इंप्रूव किया जाए, ये वॉर पीरियड है हमारे लिए, ना कि राजनेताओं की तरह उसको घुमाया जाए, सीधे बोला जाए ये कमी है और हम 24 घंटे में दूर कर रहे हैं। ठीक है, जनता की बात है, उनके जान की बात है, शिवम त्यागी उसको जरूर ठीक किया जाना चाहिए, सरकार उसमें जरूर काम करेगी, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर आएंगे आपको बताने कि आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हम बहुत बुरा कर रहे हैं, अगर कोई एक केस आ गया अगर ऐसा, तो ये सरकार गलत कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ